नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर का शिफ्ट वन का एग्जाम एनालिसिस कि कैसे रहा आज का एग्जाम, कौन से क्वेश्चन आए थे, और साथ में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर आपका इंपॉर्टेंट अपडेट। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आ गया है स्टडी भारत का सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर, जिसमें आपको मिलेगा संभावित प्रश्नों का विशेष संग्रह, यानी कि अब स्मार्ट वर्क के साथ होगा आपका फाइनल रिवीजन और सिलेक्शन होगा 100%। ये देखिए, गेस्ट पेपर स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है हमारे टॉप एजुकेटर के द्वारा, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो डेफिनेटली एग्जाम में आपके आएंगे। पेपर वन के गेस्ट पेपर की कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज़, जिसमें आपको 10 गेस्ट पेपर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ग्रुप में, और पेपर टू के गेस्ट पेपर की कॉस्ट है 100 रुपीज़। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, आप ये परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है गेस्ट पेपर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसे डायरेक्टली इंस्टा मोजो से भी परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में इनडायरेक्ट टीचिंग से क्वेश्चन आया था, लर्निंग डिसीज से आया था, की बिहेवियर से आया था, टीचिंग मैथड से आया था, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आया था। रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, एम्पिरिकल रिसर्च से आया था, और डिडक्टिव इंडक्टिव से आया था, और सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। कॉम्प्रिहेंशन था ग्लोबल एजुकेशन से रिलेटेड, ईजी था। कम्युनिकेशन में देखे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, हार्ड डिस्क वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। यूनिट 5 में देखे लेटर सीरीज का क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ट्रेन का क्वेश्चन था, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में देखे यूनिट 6 में अनुमान फेलिसिस वगैरह के क्वेश्चन थे। देखिए, अगर मैं बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन की, लेवल इजी था। आईसीटी में देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म थी, डिजिटल इनिशिएटिव से था, ठीक है। यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अर्थक्वेक से क्वेश्चन था, नेचुरल गैस से, ओजोन लेयर से, और पोल्यूशन से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन में देखिए गवर्नेंस से और स्कीम्स थी, और साथ में एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन था। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से करिए। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन था और इसमें ये क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। एग्जाम में एक एमसीक्यू आया था, एटीएम की फुल फॉर्म बताइए। आप सभी के पास एटीएम है, ठीक है, तो उसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। कहीं भी लिखा होता है एनी टाइम मनी, तो वो गलत है। असली फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे करके देखिए क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस से वहाँ पे दो ऑप्शन को चूज़ करना था, तो मुझे वो पता नहीं चल पाया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का बता रहा हूँ। डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो आंसर था जामिया। देखिए, पंजाब पंजाबी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और जामिया जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना। अब देखिए, इनमें से क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन क्या था? देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैं यहाँ पे फुल बता देता हूँ कि इसके फुल फॉर्म क्या है, ये होता क्या है। तो देखिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ABRY, आत्मनिर्भर भारत योजना हैज़ बीन लॉन्च टू इंसेंटिव एम्प्लॉयर फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक। अब देखिए, COVID-19 जो पेंडेमिक आया था, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो उसको देखिए फिर से, ठीक है, जिन्होंने अपनी जॉब खो दी थी फिर से रिस्टोर करने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत योजना खोली गई है। द स्कीम हैज़ कमेंस्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 एंड शैल रिमेन ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयर्स एंड न्यू एम्प्लॉयज अप टू 30 जून 2021, यानी कि एक अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 30 जून तक रजिस्ट्रेशन चला। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट विल पे द सब्सिडी फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट पे करेगी 2 साल के लिए, यानी कि जब भी उन्होंने, मान लीजिए कि 2020 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, ये जून 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो तब से लेके 2000, ठीक है, मान लीजिए 2020 में का, तो 22 तक
21 में 23 तक 2 साल के लिए आपको गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। वैसे आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, अपना काम खुद करना, ठीक है। सो ये थी योजना। सो नेक्स्ट देखिए, सोलर एनर्जी का रैंक आया था फिर से। सो देखिए, राजस्थान सबसे ऊपर है, कई चैनल वाले आपको कर्नाटक दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटक था मार्च में, लेकिन अभी क्या है, राजस्थान सबसे ऊपर है। आप खुद से यूट्यूब से चेक कर सकते हैं और गूगल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान सबसे ऊपर है, तो रैंक क्या है, राजस्थान का सबसे ऊपर है। सो देखिए, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फाइंड द रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। सो ये सीरीज थी, ठीक है, आपको ये करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। सो देखिए, यहाँ पे सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर इसे हम कैलकुलेट करके देखें तो 4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 5.75 आ रहा है, लेकिन आगे 9 आएगा, जबकि यहाँ पे 10 है। तो 10 वाला क्या है, गलत है। सो एक क्वेश्चन आया था स्वयं से, स्वयं क्या है, देखिए स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं देखिए, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मोक्स है, आपको याद करने हैं। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही रहा है, ठीक है। सो सर, स्वयं क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स है, तो जिसे जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, एक्सेस इक्विटी क्वालिटी, जिसे हर कोई कर सकता है, ठीक है, हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप स्वयं के जरिए, स्वयं पोर्टल के जरिए आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं क्लासेस के लिए, तो सब कुछ आपका इसमें कंप्लीट। बात करते हैं एक्सपेक्टेड MCQs के बारे में, कि कौन से एक्सपेक्टेड MCQs आ सकते हैं। आपको मैं हर वीडियो में बताऊँगा कि जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है वो एक्सपेक्टेड कौन से करके जाएँ, ठीक है। सो देखिए, ये क्वेश्चन है, गोल्डन माउंटेन इज फेरी बिकॉज इट इज स्मोकी, विच टाइप ऑफ फैलेसीज इज कमिटेड बाय द अबव इन्फ्रेंस। यानी कि देखिए, सुनहरा पर्वत अग्निमय है क्योंकि यह धूम्रवान है, ठीक है, इस अनुमान में कौन सा हितवा भास है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये यूनिट नंबर 6 उसका क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी बताया गया कि जो गोल्डन माउंटेन है, सुनहरा पर्वत है, ठीक है, वो फेरी है, यानी कि वो उसमें आग लगी हुई है, क्यों, क्योंकि उसमें धुआं उठ रहा है। तो ये कौन सा अनुमान है, क्योंकि देखिए हम अनुमान लगा सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, वो चीज़। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वरूप सिद्धि, असरा सिद्धि, व्याप्ता सिद्धि और सव्या विचारा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आश्रय सिद्धि, ठीक है। व्हेन द स्कैंडिड टर्म यूज्ड इन लॉजिक इज नॉट रियल देन अजालम इज ए फैलेसी, ठीक है। व्हेन द स्कैंडरी टर्म इज नॉट रियल देन द मिडल टर्म डज नॉट वेस्ट इन इट, द गोल्डन माउंटेन इज नॉट रियल सो इट कैन नॉट बी इंडिजिनियस। यानी कि देखिए, जब तर्क में प्रयुक्त गौण पद वास्तविक ना हो तब आश्रय सिद्धि हेताभास होता है। यानी कि देखिए, जब हम कोई तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ कहते हैं कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन वो सही नहीं होती, तो आश्रय सिद्धि है, ठीक है। जब गौण पद वास्तविक ना हो तो मध्य पद इसमें निहित नहीं होता, सुनहरा पर्वत वास्तविक नहीं है, अतः यह अग्निमय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनकी जब हम किसी चीज़ को देख के कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ ये है, हम धारणा बना लेते हैं ये चीज़ ऐसी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जब मान लीजिए कि जो बादल हैं, ठीक है, वो गहरे हों, बारिश वाला मौसम, हम देख के कह दें कि आज बारिश होगी, ठीक है, हमने क्या किया, हमने अंदाज़ा लगाया, लेकिन बारिश नहीं हुई, अंदाज़ा हो गया गलत, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी बात सही नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या है कि जब वो चीज़ सही ना हो, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो होता है आश्रय सिद्धि, ठीक है, जब हमें किसी चीज़ का भ्रम हो, ठीक है, वो चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पोस्टविस्टिक अप्रोच।
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया प्राविध्यात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी, ठीक है, यानी कि जो कौन सा रिसर्च प्रोसीजर है जो आएगा अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर। अब देखिए 2019 में जब सिलेबस अपडेट हुआ था तो ये टॉपिक जोड़ा गया था कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर रिसर्च प्रोसीजर क्या आएगा। सो आपके सामने ऑप्शन है नॉर्मेटिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो और एथनोग्राफिक स्टडी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एथनोग्राफिक स्टडी। अब देखिए एथनोग्राफिक नरेटेड स्टडीज विल कम अंडर द स्टडी ऑफ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोचेस। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच एम्फेसिस मैथोलॉजिकल प्लुरिज्म। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट मैथड और मैथड adopted in a research should be based on the research question of that research. It is related to the subjectivity of reality and moves away from the attitude of complete objectivity adopt the positivistic. So देखिए नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन प्राविध्यात्मक उपागम तथा अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद के अध्ययन में के अंतर्गत आएगी, ठीक है, यानी कि एथनोग्राफिक स्टडी किसके अंदर आएगी, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये वाला, उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। अब देखिए जब भी हम शोध करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रश्न होता है जिसके बारे में हमने शोध करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़राब क्यों है। अब आप इसके बारे में क्या करेंगे, शोध करेंगे, यानी कि जब आपके पास प्रश्न है तो आप उसके बारे में शोध करेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न नहीं हुआ तो शोध कैसे होगा। यह वास्तविकता की व्यक्ति निष्ठा से संबंधित होता है और प्रत्यक्षवादी द्वारा अपनाए गए पूर्णन वस्तुनिष्ठा वाले रुख से दूर जाता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास प्रश्न होता है तभी हम उसकी स्टडी करते हैं, तभी हम उसकी रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको आ सकता है। सो नेक्स्ट है, AF सिस्टम इज यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम, यानी कि जो AF प्रणाली है वो किसमें, किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसे सीरियसली लीजिए जिनका एग्जाम होने वाला है। सो बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा या डेसिमल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्साडेसिमल, यानी कि जो AF सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल में यूज़ होता है, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जब एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल में यूज़ किया जाता है, ठीक है, तब ये AF यूज़ होता है। सो नेक्स्ट है, तक्षशिला एंड एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर एज ए हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न पहले आ चुका है, बताइए इनमें से जो यूनेस्को द्वारा कौन सी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो है इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है, वो उसमें तक्षशिला था आंसर और नालंदा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ एक बात, देखिए तक्षशिला जो है वो 1980 में हुआ था, लेकिन जो नालंदा था वो 2016 में हुआ था। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि नहीं सर 2009 में हुआ था तो 2016 नहीं है। अब देखिए 2009 में क्या था, टेंटेटिव था, जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी तब उसको यानी कि कहते हैं टेंटेटिव, यानी कि पक्के तौर पर नहीं, अस्थाई तौर पर, टेम्प्रेरी तौर पर जोड़ा गया था, लेकिन 2016 में क्या किया गया था, परमानेंट तौर पर जोड़ा गया। तो राइट आंसर आएगा 2016, आपको 2009 का ऑप्शन होगा लेकिन आप 2016 पे टिक करिए, आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए तक्षशिला को 1980 में जोड़ा गया, ठीक है, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। ये प्रश्न पहले आ चुका है और टाइप से, लेकिन आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर आपको नालंदा आ जाए तो आप 2016 पे टिक करिए। सो देखिए वही वाला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है, जो हम अभी हमने किया था। सो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा। अब देखिए पहली बात तो ये इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, इतनी फुल फॉर्म आ रही है, ये भी आ सकती है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एमिंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू
एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च इन, यानी कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा है, जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है, का शुभारंभ कब किया गया था। यानी कि देखिए जब रूसा है उसे कब लॉन्च किया गया, सिंपल सी बात, 2013 इसका राइट आंसर है, ठीक है, 2013 में से लॉन्च किया गया। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका पर्पज़ क्या है, विच इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि देखिए वो स्टेट जो एलिजिबल स्टेट है जहाँ पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रूसा ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं भी किसी कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, एक रूसा ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंटर एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इन फाइनेंसिंग इन रेशो 65 to 35 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड 90:10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब देखिए जो आम स्टेट्स हैं जनरल, उसमें 65 to 35 का रेशो रहेगा, ठीक है, 65 सेंटर का रहेगा क्योंकि सेंट्रल स्कीम है, 35 रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिन्हें रखा गया है, ठीक है, तो उनमें क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपको दिखनी है, ठीक है, तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो हमारा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल के 6 नंबर शेड्यूल में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो स्पेशल कैटेगरी की क्या है, 90% है सेंटर का, 10% है स्टेट का। देखिए फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर इन इंडिया, ठीक है। यानी कि भारत में शैक्षिक संप्रेषण उपक्रमों के संदर्भ में नामांकित में से सही कालानुक्रम बताइए, ठीक है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसके बारे में बताना है, एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर का, ठीक है। देखिए कृषि अध्ययन, कृषि दर्शन है, ज्ञान दर्शन है, व्यास है, ज्ञानवाणी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिए कृषि दर्शन आया था 1966 में, ज्ञान दर्शन आया था 2000 में, ज्ञानवाणी आया था 2001 में, डीडी व्यास आया था 2004 में, इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स द मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल इमिशन, जो कि मिलियन ऑफ टर्न्स होता है पर ईयर, इज मोर कम्पेयर टू दैट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए जो प्राइमरी पॉल्यूशन है, प्राइमरी पोल्यूशन क्या है, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूशन होते हैं जो फैलते हैं, और जो मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन की पोल्यूशन को फैलाने के लिए, ठीक है, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है जिनके द्वारा पोल्यूशन फैलाया जाता है, जिनके कारण पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। अब देखिए इंसान ही है पर्यावरण का दुश्मन। आप देखिए दिल्ली में जब भी पटाखे चलते हैं दिवाली के बाद, वहाँ पे क्या है, स्मॉग हो जाती है ना। तो अभी कोई त्यौहार तो फेस्टिवल तो मना नहीं सकते, इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है, तो इंसान ही है, ठीक है, जो पर्यावरण का दुश्मन है। जब कोरोना में लॉकडाउन था तो देखिए मौसम साफ हो गया था क्योंकि व्हीकल वगैरह सब बंद हो गए थे, पर्यावरण साफ हो गया था। जब फिर से स्टार्ट हुए फिर से ख़राब हो गए हालात, तो इंसान है दुश्मन। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण के मामले में वैश्विक उत्सर्जन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है। यानी कि इंसान के द्वारा कौन सी चीज़, कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जो पर्यावरण के लिए खतरा है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इन विच वाज द ग्लोबल इमिशन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू ह्यूमन एक्शन दैट नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए ये क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना वो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही है, पतला कर रही है, ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर के साथ जाके ये चिपक जाती है, चिपकने के साथ क्या है, वो पतली होनी शुरू हो गई है, ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड देखिए जब हम व्हीकल वगैरह चलाते हैं, जब उनसे साइलेंसर से धुआं निकलता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है, ठीक है। सो ISP की फुल फॉर्म क्या है, अब देखिए बहुत सारी फुल फॉर्म आती हैं, ये भी आ सकती है ISP की फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए इंटरनेट से बहुत क्वेश्चन आते हैं ICT से, सो ये आ सकता है ISP,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड हुज जॉब इज टू रन एंड मेंटेन द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। यानी कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जो नियमित रूप से कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सच ए ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर, एडिटर एटसेट्रा। अब देखिए कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडिटर है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में व्हाट्सएप डाउनलोड कर लें, कोई गेम डाउनलोड कर लें, अगर आप उसे हटा भी दें तो सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपाइलर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, तो कंप्यूटर चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट यूजेस आर यूनिक सच ए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एटसेट्रा, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा, वर्ड फाइल नहीं होगी, है ना, तो इसलिए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डिफरेंट, जो आप अपनी मर्जी से लगाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अभी आपको मैंने देखिए, पहले तो आपको मैंने टॉपिक करवाए, ठीक है, पहले मैंने आपको क्या करवाया, टॉपिक करवाया, फिर आपको मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए, फिर आपको मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करवाए। अब आपको ये मैं डेली करवाऊंगा कि ताकि जिनका एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स।